अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि एक बारिश से पूरा शहर कराची डूब गया। पीपल्स पार्टी के साथ एमकेएम भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि रात शहर में 52 मिलीमीटर बारिश हुई है तो शहर डूब गया। पंजाब और केपीके में भी इससे ज़्यादा बारिश होती है लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। कराची में एक बारिश के बाद ज़िंदगी रुक जाती है। कल की बारिश से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सामने आ गई। पीपी अरबों रुपए इलेक्शन मुहिम पर लगा रही है। कहा कि एमसी ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। हमारे कौंसलर सड़कों पर मौजूद रहे। कौंसलर हिदायत से पहले ही सड़कों पर खड़े थे। पूरी शारह फैसल डूबी हुई थी। रात 3 बजे तक लोग घर पहुंचे। मेयर शहरियों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। वो सारे इख्तियारात के साथ हैं। सूबा इदारे भी उनके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ जुर्म में शरीक है। एमक्यूएम ने मैंडेटेड वडेरों को बेचा। एमक्यूएम दावा करती थी कि किसी की हिमायत की जरूरत नहीं। आज 10 जमातों की हिमायत के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। उनका कहना था कि कल की बारिश के बाद शहरी सोच रहे हैं, शहर का कोई पुरसा हाल नहीं। हमारे चेयरमैन सड़कों पर थे। शहरी सेवरेज का मिला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। बारिश को 12 घंटे गुजरने के बाद भी 120 फीडर ट्रप हैं। एक बारिश ने सबको बेनकाब कर दिया। हाफिज नईमुल रहमान का कहना था, हम इंतखाबात के लिए खिदमत नहीं करते। सैलाब में कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे तब भी खिदमत की। ROs DROs के जरिए किसी को जीतने नहीं देंगे। कारकुनों से कहता हूं, आपकी खिदमत लोगों को वोट डालने पर मजबूर करेगी। जहां जहां जमात इस्लामी के टाउन हैं वहां काम करेंगे। हम अपोजिशन में बैठने के लिए मुहिम नहीं चला रहे। हम हुकूमत में आएंगे।